पिथौरागढ़ शहर के बीचों बीच स्थित वार्ड नंबर 32 चामटी खेड़ा में आया देह व्यापार का सनसनीखेज मामला, जिसमें कई लंबे समय से शिकायतें मिलने के बाद भी वहां के ग्रामीणों ने इस व्यापार को रंगे हाथों पकड़ने की ठान रखी थी, कि अचानक कल शुक्रवार को एक संदिग्ध व्यक्ति अपनी हवस की वजह से जिस घर में देह व्यापार होता है की जगह गलतफहमी के कारण किसी अन्य घर में घुस गया और क्षेत्रवासियों द्वारा पकड़ा गया, जिसे आक्रोशित लोगों और महिला ने रस्सी से बांधकर थाना ले गए। बता दें कि क्षेत्र में कई सालों से चला आ रहा था देह व्यापार की जिसकी सूचना लगातार मिल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक अपने घर में कोई घटना नहीं हो तब तक कोई आवाज नहीं उठाता। अपने आसपास फैल रही देह व्यापार की गंदगी को डर के मारे लगातार मुख दर्शक बना देखता रहता है। आते ही रहे, जाते ही रहे। अच्छा। ये आज पकड़ा ये 100 रुपए के। किस प्रकार का काम हो रहा है? धंधो लगाए रखे दो दो तीन तीन महीने। आपका घर आस पास में ही है? आपका कहना की इस प्रकार का देह व्यापार आपके एरिया में चल रहा है तो कहीं आपके परिवार जनों पर और महिलाओं पर बुरा असर पड़ सकता है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हो? क्या इस मामले को लेकर पुलिस में भी कभी पहले आपने शिकायत करी है? कुछ कार्रवाई हुई उस पर? तो हमने पूर्व में भी मतलब कोशिश की पर हमारे पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं था, पर आज जब ये बंदा लोगों के घरों में घुसा के हम सबने इसको पकड़ा था, इससे सच उगलवाया, तो इसने ये बोला कि भाई मैं उधर पड़ोस में उस घर में जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं गया था, पर मैं हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। सभी मतलब मेरे ग्राम वासियों के साथ मिलकर मैं इस गंदगी को साफ करूँगा। जी, जो गलत काम हो रहा है उसके विरुद्ध मैं खड़ी हूँ, मेरे से भी माता बहनों के साथ, और मैं इसको खत्म करूँगा। कितने साल से चल रहा है लगभग ये सर? 2-3 साल से मेरे पास कंप्लेन आ रही है।